जब कोई ईश्वर अथवा जल प्रत्यय एक साथ प्रवृत्त हो जाए, मतलब एक तरफ स्वर भी हो दूसरी तरफ बल भी हो, इनकी और जल प्रत्याहार के बड़ों की आपस में समर संज्ञा नहीं हो, इसकी समर संज्ञा नहीं हो, समर संज्ञा तो होती ही नहीं, लेकिन ये जल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जैसे हम यहाँ पे कहा जाए अपूर्व सभी दिया नाम। अब एक तरफ छोटा है बड़ा ये तो स्वर है, और इधर क्या है इसमें का मिल गया है ना, ये सब मिल गया ना, तो अपूह। अब यहाँ पे देखिए इसमें हा भी है, इधर क्या है, ये आपका अपूर्व विसर्ग लिया नाम है ना, ये हो गया। अब इसको अगर हम देखते हैं इसमें एक ही उच्चारण स्थल एक ही यत्न अगर हम देखें तो का यत्न क्या हो जाएगा आपका स्पर्श वर्ण नाम, तो स्पृष्ट और स्पेय पाया जा रहा है। और इसका अगर हम देखें तो ये कंठ में है, इसका केवल उपयोग विवृत है ना, ये सब सवर्ण दिखाई दे रहे हैं बस न। अब इसके होते कि नहीं वो समझिए, क्योंकि स्वर जिस विवृत में जाएगा जिस यत्न में जाएगा उस यत्न में ये छल प्रत्याहार के बल नहीं जाता। अब इनका यत्न क्या है, स्पृष्ट है ना, और स्वरों का यत्न क्या है, विवृत है। सबल संज्ञा उनकी होती है जिनका एक ही यत्न हो एक ही उच्चारण स्थल, समझ में आया। अब इनका उच्चारण स्थल तो समान तो है, घर में है, लेकिन अगर हम इनका देखें यत्न तो इधर स्वरों का यत्न विपरीत चला जा रहा है, इनका यत्न क्या चला जा रहा है, इसीलिए यहाँ कहा गया ना अच्छ छलो, समझ गए ना, क्लियर हुआ, हाँ समझ लीजिए उसको पकड़ लीजिए ना अच्छ छलो। अगर हम स्वरों का देखें आ ई बड़ी ती उ बड़ा उ अब इतने का ये समझ में आ गया। अब इसके साथ अगर कंठ में देखे हम व्यंजनों में क्या मिल जाता है, कावर मिल जाता है ना, हा मिल जाता है और विसर्ग मिल जाता है। इसके साथ क्या मिलता है, चावल मिल जाता है, और चावल मिला तो क्या मिल गया, यसा नाम या और सा मिल गया है ना, इसमें आपका पापद मिल जाता है ना, उसके बाद परमाणी पद मिल जाते हैं है ना, परमाणी पद ये मिल जाते हैं, समझ लीजिए बाकी कारण आपके हिसाब से। यहाँ चावल मिल जाता है यही ना। अब इनका तो उच्चारण स्थल एक समान है, इतने का उच्चारण स्थल एक ही है, लेकिन अगर यत्न देखे का वर्ग का अलग यत्न है, हा का अलग यत्न है, इसका यत्न क्या है, स्पृष्ट है, स्पृष्ट है, और हा का यत्न क्या है, हा का ईषद विपरीत, यानी उच्चारण स्थल एक ही है लेकिन यत्न क्या है, अब इसका यत्न क्या हो जाता है, विपरीत। अगर हमारा क्या उच्चारण कर दिया तो हमें क्या दिखा देगी, दो एग्जाम्पल करो, दंड हस्ता दूसरा दधि शीतम,
दधिशीतम अब यहाँ देखिए द में क्या है छोटा है ना, इधर क्या है हा। अब आ और हा, आ हमारा स्वर में आता है, हा किस में आता है झल में, झल में आ रहा है ना, जो भी है इसमें छोटा आ रहा है ना, छोटा आ है इधर हा है। अब आ का यत्न क्या होगा, हा का यत्न क्या है, यत्न कहा गया एक ही होना चाहिए, तो एक है लेकिन यत्न एक नहीं, इसलिए इनकी सरल संज्ञा नहीं है। इधर क्या है छोटी, इधर क्या है सा, इसका और इसका उच्चारण स्थल समान है, देखिए जरा इसका नहीं उच्चारण स्थल समान है। अच्छा यहाँ आ का और इसका है ना जी, आ और हा का उच्चारण स्थल एक समान है जी, ये ध्यान देना है, लेकिन यत्न समान नहीं है। इधर ई का उच्चारण स्थल और सा का उच्चारण स्थल एकदम समान जी, लेकिन अगर हम यत्न देखें ई का क्या होगा विपरीत और सा का क्या होगा ईशा विपरीत, विपरीत ईशा को विपरीत जा रहा ना जी, यहाँ इसका जो यत्न है वो असमान पाया जा रहा है, केवल छोटा आ समृद्ध होता है जी, है ना, प्रयोग और सिद्धि की दृष्टि से समृद्ध सिर्फ एक होता है छोटा, तो अब यहाँ क्यों इतना समान देते हैं अगर आप, तब वृत्त यहाँ समान नहीं पाया जा रहा ना, यत्न जब यत्न समान नहीं है तो इनकी आपस में सरल संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी, यही कहना है ना, अच्छा समझ गए ना, क्लियर हो गया हाँ, बस यही आपकी मर्जी, समझ में आ गया कोई बात नहीं, खा के छोड़ दो है ना। यहाँ इसका मतलब क्या है, कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्थल और अभ्यंतर या कुछ समान हो यही ना जी, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा मानी जाती है, लेकिन सवर्ण संज्ञा ने कहा एक ही उच्चारण स्थल हो एक ही अभ्यंतर यत्न है ना, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि उच्चारण स्थल और अभ्यंतर यत्न के समान होने पर भी है ना स्वरों और झल प्रत्याहार के वर्णों की आपस में सरल संज्ञा नहीं मानी जाती है ना, उच्चारण स्थल और अभ्यंतर यत्न के समान होने पर भी स्वर तथा झल प्रत्याहार के वर्णों की आपस में सरल संज्ञा नहीं मानी जाती, समझ गए ना। अलग है ना, यानी यहाँ पे यत्न असमान होने के कारण उसकी सवर संज्ञा नहीं मानी, समझ में आया, यहाँ लिख सकते हैं यत्न असमान होने के कारण सवर संज्ञा नहीं होनी, बस ना है। इसी तरह दूसरा आपका क्या था भाई, दधि सीतम, सीतम दधि सीतम जी, यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ क्या है सा है ना, अब छोटी शाखा उच्चारण स्थल हमारा क्या है, मान लेने कुछ मालूम है
लेकिन यह तो भी देखा जाए इसका विपरीत है और इसका है ना जी। ये जो यत्न है क्या है असमान है, यहाँ भी यही चीज लिख सकते यत असमान होने के कारण, यत्न असमान होने के कारण सरल संज्ञा नहीं हुई, यही है नाझलो सूत्र। लेकिन नाझलो का मतलब कि सर और छल का। हाँ हाँ उसको खा रहे हैं भाई, पहले लिखना चाहे अभ्यंतर यत्न समान होने पर भी बता रहे हैं, अभी वो भी दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाएंगे हम। उच्चारण स्थल तथा अभ्यंतर यत्न समान होने पर भी या एक ही होने पर इस तरह है ना। हाँ वो भाव वही है, समान होने पर भी स्वरों तथा जल प्रत्याहार के बलों की सबल संज्ञा नहीं होती, सबल संज्ञा नहीं होती। अब जैसे ये हो गया, अब जरा समझिए समान की बात को कहा गया, यानी एक ही हो, यही बात ना। अब अगर हम देखते हैं जैसे इतु यसा नाम ताला, इतु यसा नाम ताला। अब यहाँ समस्या ये ई का मतलब क्या है, छोटी ई या इसका अभ्यंतर यत्न क्या है, ताल है एक। अब विवृत की निकाल गया, विवृत स्वराणाम यानी इसका यत्न विवृत। अगर हम स्वरों में केवल देखें तो एक ही यत्न है, एक ही उच्चारण प्रस्ताव है। और चावल की बात करें, चावल क्या है तो यत्न क्या है, स्पृष्ट है। अगर हम व्यंजन का कंपेयर करें तो ये चावल का उच्चारण स्थल क्या है, तालु है। चावल का क्या है, एक ही यत्न है, एक ही उच्चारण स्थल है। लेकिन यहाँ समस्या किसकी याद करी है, इन्होंने व्यंजन व्यंजन को नहीं दिखलाया, इन्होंने स्वर स्वर को नहीं दिखलाया। स्वर के बाद स्वर होता, टी के बाद ई होता या भई होता है ना, या व्यंजन में सा है वो धन सा होता या आपका चावर या सा होता या होता या सा होता, तब हम वहाँ देख सकते थे है ना, तब वहाँ सबल संज्ञा हो सकती थी, समझ गए ना। तो ये उसका भाव है, समान होने पर भी नहीं होता। कारण उसका यही है कि यहाँ स्वर की गति दे दी, इधर व्यंजन की गति दे दी है ना। स्थान और समान पर भी स्वर और ढंग की स्वर संज्ञा नहीं होती, तो इसमें ये तो काम